रेडी? नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द फिटनेस प्रोजेक्ट 2022। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 4 आसन्स विच विल हेल्प यू डी स्ट्रेस एंड स्लीप बेटर। वैसे रातों की नींद और दिन का चैन तो तभी हराम होना चाहिए जब हम इश्क या प्यार में हों, पर पैंडमिक में, स्ट्रेस में, डाइटिंग के चक्कर में, हार्ट ब्रेक में और रिलेशनशिप के स्ट्रेसेस में, या कभी कभी प्योर इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और एसिडिटी में हम हमारी रातों की नींद गवा देते हैं और उसी के साथ हमारा दिन का चैन भी चला जाता है। एंड देन इंस्टेड ऑफ स्लीप वर्किंग एज समथिंग जो हमारे रिकवरी में एड करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है और हमारे दिमाग को तेज़ रखती है, इट एक्चुअली बिगिंस टू वर्क इन द ऑपोजिट मैनर। हमको नींद नहीं आती, फिर हम लोग फ़ोन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये 4 आसन अगर आप सोने के पहले करोगे या उन हर एक टाइम करोगे जब आपकी नींद खुल जाएगी इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन द स्क्रीन, तो आपको जल्दी नींद आने लगेगी। तो कौन से वो आसन हैं जो आपको करने चाहिए? नंबर 1, आप ये मैट पे कर सकते हो या फिर बेड पे कर सकते हो, चॉइस आपका है, लेकिन करना आप ही को है, करना ज़रूर है। तो फर्स्ट वन इज अ नो ब्रेनर, इट्स वज्रासन। तो आपके नीज पे बैठ जाइए, ओके, और आपके काफ को रोल आउट कीजिए। तो काफ जो है वो अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो मतलब आप उसको रोल आउट करके उसके ऊपर बैठ जाइए। 2 से 3 मिनट जितना भी आपको कंफर्टेबल हो बैठ जाइए। बैठने के बाद में ध्यान में रखिए कि आपकी बॉडी आगे के तरफ कोलैप्स ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे के तरफ कोलैप्स हो रहे हो तो खुद को पीछे के तरफ लेके आइए। आर्म्स को साइड पे रखिए, चेस्ट को उठाइए और बस इसी तरीके से आराम से बैठे रहिए। अगर ये करना मुश्किल है तो मे बी टेक अ बोलस्टर, पुट इट ऑन टॉप ऑफ योर लेग्स एंड देन सिट लाइक दिस। जिन जिन को भी मुश्किल होती है बैठने में, यू कैन स्टार्ट विथ सिटिंग लाइक दिस। एक बोलस्टर ले लो, 2 बोलस्टर ले लो, लेकिन बैठने की शुरुआत कर लो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मुझसे बैठा नहीं चाहता, बहुत दुख रहा है, तो हम लोग बैठते ही नहीं हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ मे बी 2-3 बोलस्टर्स, स्टार्ट सिटिंग, और जैसे जैसे कंफर्ट डेवलप हो जाए वैसे वैसे एक 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 बोलस्टर हटा दीजिए टिल यू आर फाइनली एबल टू सिट लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड आसन जो है उसमें यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड। अभी आप जब बेंड फॉरवर्ड करोगे तभी यू हैव टू इंक्रीज द गैप इन योर नीज। नीज के ऊपर में जो गैप है उसको इंक्रीज कीजिए और फिर उसके बाद में आगे के तरफ अपने बॉडी को लेके जाइए। फॉरवर्ड बेंड में कभी भी बैक झुकना नहीं चाहिए, फॉरवर्ड बेंड में बैक और एक्सटेंड होना चाहिए। वो एक्सटेंड होने के लिए आपको नज़र सामने रखनी चाहिए। अगर आप नीचे की तरफ देखने लगे तो दुर्घटना घट सकती है, तो दुर्घटना मत कीजिए। बोलते ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, सो वो टाइप का अपने साथ होना नहीं चाहिए। सो सिट लाइक दिस, लिफ्ट योर सेल्फ अप, लेकिन हिप्स नीचे ही रखिए, हिप्स को हील्स पर होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे सामने नज़र रखते हुए फॉरवर्ड बेंड कीजिए। बैक को झुकाना नहीं है आपको, बैक को सीधा ही रखना है। And once you are here, simply release yourself down. So release yourself down while you are still stretching forward. Stretch forward. आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी back और आपकी रीढ़ की हड्डी और भी सीधी हो गई। तो झुक सामने हम लोग जब झुकते हैं तभी हमको टूटना नहीं है, हमको और भी सीधा होना है। So this is the second one. Stay here for a few minutes. उसके बाद में धीरे धीरे उठिए, ऑल राइट, और फिर बैठ जाइए। बहुत से बार हमको मुश्किल होती है खुद को वज्रासन पोजिशन में से रिलीज करने के लिए। सो व्हेन योर लेग्स हैव बीन लाइक दिस फॉर अ वाइल, द बेस्ट वे टू रिलीज देम इज टू क्रॉस देम। तो क्रॉस कीजिए अपने पैरों को और बैठ जाइए। फिर आपके पैर में अगर थोड़ा नंबनेस भी आ रहा हो, या अगर पेन भी आ रहा हो, या अगर बैक में स्टिफनेस हो रहा हो, तो वो इमीडिएटली उससे निकल जाएगा। नाउ आई एम शोइंग यू द थर्ड आसन। थर्ड आसन बहुत सिंपल है। यू हैव टू टेक बोथ योर लेग्स इन द फ्रंट, देन यू हैव टू बेंड वन लेग एंड कीप टेक योर फुट
ऑन द मिड थाई और यू नो टूवर्ड्स योर पेरिनियम, जहाँ पर भी करंटली आपको पॉसिबल हो, जितना यहाँ से ऊपर आप नी के ऊपर उसको खींच के लेके आ सकते हो उतना आप उसको खींच के ऊपर लेके आइए। अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी नी ऊपर आ रही है, वो पूरी तरीके से नीचे नहीं जा रही है, तो उसको ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। एक ब्लैंकेट लीजिए, उसको रोल कीजिए और आपके नी के अंदर उसको रेस्ट कीजिए। क्योंकि अभी हम लोग ये आसन अगर डी स्ट्रेसिंग के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा बॉडी को त्रास नहीं दे सकते हैं। वी हैव टू एंश्योर दैट द बॉडी इज़ इन अ रेस्टफुल स्टेट, दैट इट एक्चुअली अलाउज फॉर द ब्रीदिंग रेट टू कम डाउन, दैट इट अलाउज फॉर द ब्लड प्रेशर टू फील मोर रेगुलेटेड, दैट इट अलाउज फॉर द थॉट प्रोसेसेस टू स्लो डाउन और गहरी और अच्छी नींद आए। तो नी को ज़्यादा पुश मत कीजिए, उसको सपोर्ट दे दीजिए। और अभी आपको क्या करना है कि ये जो पैर अपने सामने रखा है वहाँ के तरफ आपको आपके पूरे स्टमक को भी लेके जाना है। तो जब हम ऐसे बैठते हैं तो स्टमक ये साइड जाने लगता है, तो उसको इस तरफ लेके आइए। ध्यान में रहे कि बहुत से बार जब हमारी नींद खराब होती है तो मोस्टली हमारा डाइजेशन एंड मोर स्पेसिफिकली एक्सक्रीशन ही खराब हुआ रहता है। कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इन वजहों से भी नींद हराम होती है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक दिस, बी लाइक दिस, टर्न फ्रॉम द लोअर एब्डोमिन सो दैट ऑल द सिस्टम्स बिगिन टू वर्क लाइक देयर मेंट टू। और फिर सामने इस पैर के तरफ आप चले जाइए। नाउ कीप योर सेल्फ इन अ रेस्टफुल पोजिशन। सो टेक अ बोलस्टर एंड रेस्ट योर हेड हियर। इफ दिस इज डिफिकल्ट, पुट अ ब्लैंकेट एंड रेस्ट योर फोरहेड हियर। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द फोरहेड फील्स रेस्टेड। ओके, जब फोरहेड को रेस्ट मिलता है तभी अच्छी नींद आती है। जब हमको बहुत स्ट्रेस होता है तब हम लोग हमारा यू नो ऑलमोस्ट एज अ रिफ्लेक्स हमारा माथा पकड़ लेते हैं और माथा पकड़ के ऐसे करते हैं, क्योंकि वी नो दैट इफ वी जस्ट डू दिस देन इट विल अलाउ अस टू रिलैक्स अ बिट, एंड वेन वी आर मोस्ट रिलैक्स्ड वी कैन एक्चुअली फिगर अ गुड सोल्यूशन टू द करंट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, मेन चीज़ क्या है इसमें? मेन चीज़ ये नहीं है कि जितना आगे जा सकते हो उतना झुकना है। मेन चीज़ ये है कि लोअर एब्डोमेन से हमको टर्न करना है और दोनों साइड्स ऑफ द चेस्ट से सामने के तरफ जाना है, और फिर जहाँ हम लोग कंफर्टेबली पहुँच पाए वहीं पर जाके हमको हमारा फोरहेड झुकाना है। अगर ये भी बहुत मुश्किल हो रहा हो तो देन यू जस्ट गेट अ चेयर। चेयर को यहाँ पर रखिए, लेकिन चेयर के ऊपर भी ब्लैंकेट रखिए, क्योंकि अदरवाइज चेयर इज़ अ वेरी वेरी हार्ड सर्फिस, तो उससे भी आपके फोरहेड को इरिटेशन हो सकता है। सो टर्न इक्वल बेंड, सॉरी मूव फॉरवर्ड, डोंट बेंड, एंड देन रेस्ट योर फोरहेड, रिलैक्स योर आर्म्स बाय द साइड। ये जो अगर आपके पास ऐसी वाली चेयर है तो पैरों को यहाँ पर रखिए एंड रिलैक्स, फोरहेड हैज़ टू मूव डाउन, सो स्टे हियर फॉर अनदर 2-3 मिनट्स। वेन यू फील रिलैक्स्ड ऑन वन साइड, रिपीटेड ऑन द अदर साइड। तो इसी को आपको दूसरे साइड में भी रिपीट करना है। अगर एक साइड पे 3 से 4 मिनट तक किया तो दूसरे साइड पे भी आपको उतने ही मिनट तक करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑन बोथ साइड्स, अदरवाइज बॉडी की एक ही साइड ज़्यादा काम करती रहती है। दिस आसन इज अ गुड आसन, दिस इज द सुप्तबद्ध कोणासन। ये आपको नींद के लिए तो अच्छा है ही, पर अगर आपको पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तभी भी ये बहुत अच्छा है। एक बोलस्टर लीजिए, उसको पीछे रखिए, मैंने जैसे रखा है वैसे नहीं, टेढ़ा नहीं, सीधा। फिर उसके बाद में एक पिलो जैसा या ब्लैंकेट उसके ऊपर रख दीजिए, एंड देन टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप बिटवीन द बोलस्टर एंड योर हिप। पूरा सीधी तरीके से बैठिए, दोनों पैरों को जॉइन कीजिए
और फिर आप उसको जितना खुद के तरफ खींच पाओ उतना खींचिए। कितना खींचिए कि आपके ये पॉस्चर में चेंज नहीं आना चाहिए। सो वाइल यू आर स्टिल एबल टू मेंटेन द इरेक्ट पॉस्चर, आप जितना खुद को ऊपर खींच सकते हो उतना खींचिए। अगर घुटना पूरा तरीके से नीचे नहीं गया तो भी देर इज़ नो प्रॉब्लम, एंड यू डोंट वॉन्ट टू फोर्स योर सेल्फ ऐसे ऐसे करके एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मे बी यू कुड डू दैट इन द मॉर्निंग, बट इन द नाइट यू शुड लर्न टू स्लीप एंड अनवाइंड। अनवाइंडिंग इज अ फाइन आर्ट विच वी हैव टू लर्न, अदरवाइज हम लोग रॉन्ग चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं। तो नीज को इस तरीके से या अपने पैरों को इस तरीके से सपोर्ट कीजिए सो दैट यू डोंट फील एनी टाइटनिंग इन द पेल्विक और एनी पेन इन द नीज। फिर आपके दोनों हाथ पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाते ही खुद के चेस्ट को ऊपर उठाइए। चेस्ट हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ कमिंग डाउन, स्पेशली वुमेन का चेस्ट, सो लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप एंड मेक योर पोजिशन अपराइट। फिर धीरे धीरे स्टार्ट बेंडिंग फॉरवर्ड। टू बेंड फॉरवर्ड, सॉरी, धीरे धीरे स्टार्ट बेंडिंग बैकवर्ड्स। टू बेंड बैकवर्ड्स, फर्स्ट गो ऑन योर एल्बोज, बाय दैट टाइम यू विल फील द बोल्स्टर। एंड अगर आपको एक और बोल्स्टर की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर आप और एक बोल्स्टर भी लीजिए। नाउ इनवेरिएबली व्हेन वी लाई डाउन लाइक दिस, आवर चेस्ट बिगिन्स टू कम अप फ्रॉम एंड द स्टमक बिगिन्स टू कम डाउन। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी शुड बी टू फील डिस्ट्रेस्ड। द चेस्ट शुड लुक लाइक अ माउंटेन एंड द स्टमक शुड लुक लाइक अ वैली। अगर स्टमक माउंटेन के तरह लगने लगा तो बॉडी को रिलैक्स होने में प्रॉब्लम होता है। सेम थिंग विद द फेस, बहुत बार जब हम लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं तो इंस्टेड ऑफ द चिन मूविंग टूवर्ड्स द चेस्ट, इट स्टार्ट्स मूविंग बैकवर्ड लाइक दिस। हम लोग कहीं पीछे देखने लगते हैं, जस्ट लाइक द माइंड इज ऑलवेज समवेयर इन द पास्ट और समवेयर इन द फ्यूचर। बट फॉर इट टू बी प्रेजेंट इन द नाउ, यू नो क्या अभी रात हो गई अपने को सोना है, यू नीड द फॉरहेड टू बी लुकिंग डाउनवर्ड्स। सो यू मे नीड अ पिलो टू हेल्प यू डू दैट। सो गेट अ पिलो सो दैट इंस्टेड ऑफ बींग लाइक दिस यू आर एबल टू बी डाउन, एंड देन सिंपली पुट योर हैंड्स बाय द साइड एंड गो टू बेड। ये उन सब लोगों को भी अच्छा है जिनको पीडल इडीमा या पैरों में सूजन जिनको भी होती है, नी के नीचे काफ सूज जाता है, एंकल, मेटाटार्सल सब कुछ ऐसा बड़ा बड़ा दिखने लगता है शाम तक, वो सब के लिए भी ये बहुत ही आरामदायक आसन है। तो बस इसमें रहिए, आँखों को बंद कीजिए, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन योर डे टू डे, बी ग्रेटफुल फॉर योर अबिलिटी टू डील विथ ऑल द चैलेंजेस दैट केम योर वे, और गहरी नींद में सो जाइए। इस आसन में तो आपको नींद आ ही जाएगी। अगर उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि और यू नो दैट यू स्लेप्ट ऑफ, बट एट सम पॉइंट इफ इट गेट्स अनकम्फर्टेबल, तो रिमूव वन ब्लैंकेट, रिमूव द अदर ब्लैंकेट, बिगिन टू स्ट्रेच योर लेग्स, देन रिमूव द थर्ड ब्लैंकेट। यू कैन ऑल्सो देन लेट गो ऑफ द बोल्स्टर, सिंपली लाई डाउन एंड कंटिन्यू इन टू योर नाइट्स स्लीप। दैट्स ऑल फ्रॉम मी टूडे। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज फोर आसन्स फ्रॉम टूडे एंड डोंट फॉरगेट टू फिल आउट द फॉर्म। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली रिस्पॉन्स टू द एक्सरसाइज प्रोजेक्ट इन 2022। I do hope that we are all able to make it an integral part of our life and that we don't wait for any disease or any shadi or any event to get in shape. Every day is worthy of being in good shape. Thank you. If you have questions, please ask. Can pregnant ladies do that? Can ladies in period do these Ladies in asanas? periods can do all of these. Pregnant ladies also, if you've been doing asana practice, of course you can continue doing these. If at any point you feel discomfort, make sure that you don't do it at least on that particular day. How much should we do this before dinner, after dinner? After dinner, just before going to bed. So about 5-10 minutes before going to bed, in a way कि अगर सुप्तबद्ध कोनासन में सो के नींद भी आ गई तो भी चलेगा, अभी वापस उठ के और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। And I'll see you next Tuesday, same time at 4 p.m. Till then, bye bye. Stay well and exercise regularly. Bye.